आज हम ब्रेड से बिना गैस चलाए आइसक्रीम बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इंडियन टेस्ट। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ब्रेड से इंस्टेंट आइसक्रीम बनाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कितना अंदर से क्रीमी हमारा आइसक्रीम बना है। तो इसके लिए 4 से 5 ब्रेड ले लेंगे। सफ़ेद वाला ब्रेड लिया है और इसका किनारा निकाल देंगे, क्योंकि किनारा ब्राउन कलर के होते हैं तो फिर वो आइसक्रीम में दिखेंगे ब्राउन ब्राउन, तो इसीलिए इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे छोटा पीस में कट करेंगे और सफ़ेद ब्रेड का ही यूज करना है। अब एक मिक्सी के जार लेंगे और इसमें डाल करके पीसेंगे। तो उससे पहले इसमें दूध डालना है, 1 कप दूध डालेंगे। तो दूध मैंने 2 से 3 बार उबाल लिया था, उबला हुआ दूध है और ये दूध ठंडा है। 1 कप नाप करके डाल देंगे और इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। कोई भी ठंडा चीज़ जब हम बनाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, तभी खाने में टेस्टी लगते हैं। अब इसे बारीक पीस लेंगे। जब तक चीनी अच्छे से पीस नहीं जाते तब तक मिक्सी को चलाना है। तो ये देखिए इस तरीके से गाढ़ी हो गया है। अब इसमें विनेला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए, तो 1/4 टीस्पून डाल देंगे। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। ये डालने से ये होता है कि ब्रेड का टेस्ट नहीं आएगा, आपको बिल्कुल मार्केट जैसे लगेगा वेनिला आइसक्रीम। अब इसमें 1/2 कप क्रीम डाल देंगे। क्रीम की जगह आप मलाई भी ले सकते हैं। 1/2 कप और क्रीम या फिर मलाई डालने से आइसक्रीम हमारा क्रीमी और खाने में टेस्टी लगते हैं, तो मलाई या फिर क्रीम डालना स्किप ना करें। तो ये देखिए मलाई डालने के बाद मिक्सी को रुक रुक के चलाना है, नहीं तो घी निकल जाते हैं। थोड़ी देर चला के फिर बंद कर देंगे। तो ये हमारा तैयार है आइसक्रीम के लिए। अब ये कंटेनर लेंगे या फिर जिसमें आइसक्रीम जमाते हैं ना वो भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई गिलास ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो उससे पहले इस पर फॉइल पेपर या फिर इस तरीके से फूड प्लास्टिक मिलती है ये डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और डब्बा ऐसा लेना है कि जो एयर टाइट होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेंगे। अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, डीप फ्रीजर में। 7 से 8 घंटे के बाद इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो आइस जमी है, प्लास्टिक के ऊपर जमी है और हमारा आइसक्रीम बिल्कुल ड्राई है। आइसक्रीम भी अच्छे से जम गया है। अब इसे निकाल लेंगे। निकालने से पहले आप थोड़ी देर गर्म पानी करके डब्बे को रख दे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए आसानी से निकल गया है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। अंदर से बहुत सॉफ्ट और खाने में ये आइसक्रीम क्रीमी लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने ब्रेड से आइसक्रीम बनाई है। तो ये देखिए कितना आसानी से कट रहा है और अंदर से क्रीमी टेक्सचर का भी है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी से बन भी जाते हैं। ये देखिए कितना आराम से कट रहा है ना। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।